नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचते ही परिवार की उलझने सुलझाने की पहल उनकी तरफ से शुरू कर दी गई है। बता दें कि जैसे ही तेजस्वी यादव चुनावी सभा के लिए बाहर निकले, वैसे ही लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को अपने आवास पर बुलाया और करीब 2 घंटे तक उन दोनों के बीच बातचीत हुई। बता दें कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव की तरफ से पहले भी ये कहा जा रहा था कि सभी का काला चिट्ठा वो लालू प्रसाद यादव के सामने खोल कर रख देंगे, आखिरकार वही हुआ। बता दें कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेज प्रताप ने उन सभी लोगों की शिकायत की है जो पार्टी के भीतर रहकर पार्टी में ही टूट मचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने अपने ऊपर चल रहे षड्यंत्र का भी खुलासा किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से राजद के कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि तेज प्रताप को पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। यानी कि जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव के पटना आने से पहले ही तेज प्रताप यादव की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि उनके पास और कुछ चुनिंदा लोगों के खिलाफ काला चिट्ठा है, उनके खिलाफ सबूत है और लालू प्रसाद यादव के आते ही वो इन सभी का खुलासा करेंगे, आखिरकार वही होता हुआ नजर आया। बता दें कि करीब 2 घंटे के इस मुलाकात में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप के बीच बातचीत हुई है, जिसमें ये भी जानकारी मिली है कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को आश्वासन दिया है, आश्वासन इस बात का कि जिन लोगों ने भी ये सब काम किया है, ये सब कुछ किया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो इस वक्त सामने आई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को आश्वासन देते हुए बताया कि उन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जिसके बाद ही उन बातों पर भरोसा करके तेज प्रताप यादव आवास से बाहर निकलते हैं और मीडिया से बातचीत किए बगैर वो वहां से वापस अपने आवास पर चले जाते हैं। बता दें कि जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ परिवार के उलझनों को सुलझाने की पहल भी उनकी तरफ से शुरू कर दी गई है। यही वजह भी है कि जैसे ही तेजस्वी यादव बाहर गए, वो तुरंत तेज प्रताप को अपने आवास पर बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं और पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से दोनों भाई के बीच तकरार था, उसको देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने ये कदम उठाया ताकि तेजस्वी के रहते तेज प्रताप को अपने आवास पर ना बुलाया जाए। और यही वजह भी थी कि जैसे ही तेजस्वी निकले, तेज प्रताप वहां इन करते हैं। तो ये मसले सुलझाने की जो कोशिश है वो लालू यादव की तरफ से की जा रही है और साथ ही साथ इस बात का भरोसा भी दिलाया गया है कि जल्द से जल्द उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, जैसे ही नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद परिवार की इन गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। देखने वाली बात होती है कि आखिर किन लोगों के खिलाफ प्रताप ने सबूत पेश किए हैं और किन लोगों को लेकर लालू प्रसाद यादव की तरफ से यह कह दिया गया है कि उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।